नेशनल पैंथर इलेवन एस जिस पर हम बात करने वाले हैं, सीबी बास्केटबॉल के रिगार्डिंग बात करेंगे। इवनिंग का जो फर्स्ट मुकाबला यहाँ पे खेला जाएगा, शंघाई स्टार वर्सेस आपको यहाँ पे सांगचेंग लुंस के साथ गाइज ये मुकाबला होगा। काफ़ी बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। ये मैच जो खेला जाएगा गाइज यहाँ पे 5 PM में, काफ़ी बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों टीम की स्टैंडिंग की। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं लुंस की टीम गाइज यहाँ पे 9 नंबर पर स्टैंडिंग है। 16 मैच में 9 मैच विन की हुई है, 7 मैच इनका लॉस रहा। सेकेंड टीम की हम बात करते हैं शंघाई स्टार की, तो गाइज ये 14 नंबर पे स्टार्टिंग है। 16 मैच में 8 मैच विन की हुई है, 8 मैच इनका लॉस रहा। अब गाइज बात करते हैं आज के मैच में जो दोनों टीम की तरफ से जो बेस्ट परफॉर्मर रहेंगे वो सारी इस वीडियोज़ में हम कवर करने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट गाइज वीडियोज़ में आगे बढ़ने से पहले फाइनल एस एल टीम चाहिए गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट और ज्वाइन कर लो। यहाँ पे गाइज आपको फाइनल एस एल टीम मिलने वाले आफ्टर लाइनअप, बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए ये लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा, जहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो या सर्च कर लेना @Panther11ABC और गाइज ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे। बात कर लेते हैं गाइज दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी, तो यहाँ पे देख सकते हो शंघाई स्टार की टीम लास्ट मैच वैसे यहाँ पे विन करके आ रही है और इनके तरफ से जो परफॉर्म करने आए थे एचलू की हम बात करते हैं 34 मिनट्स प्ले किए थे, 9.41 असिस्ट इनके थे, 1 इनके स्टील थे। जेरन की हम बात करते हैं 28 मिनट प्ले किए थे, 2.31 असिस्ट इनके थे। जेडवांग जो सेंटर से प्ले करते 25 मिनट्स प्ले किए थे, 9.41 इनके असिस्ट थे। टिली की बात करते हैं पॉइंट गार्ड सेक्शन से प्ले करते 22 मिनट्स प्ले किए थे, 18.21 इनके स्टील थे। गाइस यहाँ पे ब्लेस्टो की हम बात करते 30 मिनट्स प्ले किए थे, कोई खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा था, वैसे अटैकिंग प्लेयर्स है। लास्ट के मैच की परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं तो गाइज लास्ट के मैच में इन्होंने 11 पॉइंट इनके कनेक्ट थे, 2 इनके रिबाउंड थे, 3 असिस्ट इनके थे। बेन से प्ले करने आते टी यूवान की हम बात करते 33 मिनट्स प्ले करते, 8.1 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 3 स्टील इनके थे। गाइज यहाँ पे हांगकॉन्ग की हम बात करते 25 मिनट्स प्ले करते, 18.81 इनके असिस्ट थे। गाइज यहाँ पे बेकॉन की हम बात करते बेकॉन काफ़ी अटैकिंग प्ले करते 3 पॉइंटर स्पेशलिस्ट, 21 मिनट लास्ट के मैच में प्ले किए थे, 24 मिनट्स ली असिस्ट इनके, 2 इनके असिस्ट और 3 रिबाउंड इन्होंने कलेक्ट किया हुआ था। बात कर लेते पी यान की जो सेंटर से प्ले करते 21 मिनट्स प्ले किए थे, कोई खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, 4 पॉइंटर कनेक्ट हुए थे और गाइज इनके 1 ब्लॉक 1 इनके स्टील थे। सेकेंड टीम की गाइज हम बात करते तो यहाँ पे देख सकते हो लुंस की टीम सांगचे लुंस की टीम लास्ट मैच वैसे विन करके आ रही है। परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं लास्ट के मैच में जो स्टार्ट करने आए थे एस यू वन जो शूटिंग गार्ड से प्ले करते 39 मिनट्स प्ले किए थे, 27 पॉइंटर, 3 रिबाउंड, 1 असिस्ट। आई टेलर ये स्टार्ट किए थे 23 मिनट्स प्ले किए थे, 18 पॉइंटर, 3 रिबाउंड, 7 असिस्ट इनके थे। जेडगी जो आपको सेंटर से प्ले करते हैं 22 मिनट्स प्ले किए थे, 10 पॉइंटर, 9 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 2 ब्लॉक, 1 इनके स्टील थे। निंग की हम बात करते हैं गाइज 90 मिनट्स प्ले किए थे, कोई खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा था, डिफेंसिंग प्ले किए थे 3 पॉइंटर, 5 रिबाउंड, 1 इनके असिस्ट थे। सीजेंग ये भी स्टार्ट किए थे बट गाइज ये 3 मिनट प्ले करके आउट हो गए थे। बेंच से प्ले करने आए थे एनजैंग जो 41 मिनट्स प्ले किए, टीम के काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मर। लास्ट के मैच धमाकेदार इनका परफॉर्म रहा, 20 पॉइंटर कनेक्ट हुए थे, 9 रिबाउंड, 3 असिस्ट इनके थे। एचपीयू की हम बात करते 29 मिनट्स प्ले किए थे, 15 पॉइंटर, 7 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 2 ब्लॉक, 2 इनके स्टील थे। इस एलेक्स सेब्ड की हम बात करते हैं, सेब्ड आपको बेंच से प्ले किए थे। लास्ट के मैच इनकी परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं बहुत बेहतरीन रहा, 20 पॉइंटर कनेक्ट हुए थे, 4 रिबाउंड रिसीव किए हुए थे। असिस्ट की बात करते 10 असिस्ट पास करते हुए दिखे थे और 2 इनके स्टील थे। एल चैंग की हम बात करते 23 मिनट्स प्ले किए थे, 9.5 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 1 इनके स्टील थे। अब गाइस बात करते आज के मैच में जिस प्लेयर्स को पिक करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं एलेक्स सेल्ट जो आपको सेफ्ट जो आपको पॉइंट गार्ड सेक्शन से प्ले करेंगे, ये गाइज आपको काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म इनका रहता है, वैसे बेंच से प्ले करते हुए दिखेंगे। अपने टीम में अगर पिक करते हो तो एज ए एसपी ट्राई करके जा सकते हो। ई ब्लेस्टो की हम बात करते हैं एनबीए प्लेयर्स है, लास्ट के मैच में गाइज 11 मिनट प्ले करके आउट हो गए थे, कोई खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा। बट गाइज आज के मैच में अगर स्टार्ट करते हैं इनको, आप इन दोनों को चाहो तो एसपी पीपी ट्राई करके चले जाना जो आपको काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। आई टेलर की बात करते हैं 9.5 क्रेडिट में बेहतरीन ऑप्शन होने वाले हैं, ये गाइज आपको 20+ पॉइंट करके दे सकते हैं और अच्छा परफॉर्म भी इनका रहता है, अपने टीम में लेकर के जा सकते हो। आरवांग ये आपको बेंच से प्ले करते हुए दिखेंगे। शूटिंग गार्ड से हम बात कर लेते हैं एसयू वन वाले रहने वाले जो 3 पॉइंटर स्पेशलिस्ट ये भी है। लास्ट के मैच की परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, ठीक ठाक रहा था। एवरेजिंग पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो ये गाइस पॉइंटर का भी इस्तेमाल बेहतरीन करते हैं और गाइस ये आपको 25 फंटासी के पॉइंट करके दे सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे टियांग रोंग की जो आपको 9 क्रेडिट में अवेलेबल है, बेंच से प्ले करते हुए दिखेंगे। एचलू की हम बात करते हैं, ये भी बेंच से प्ले करेंगे, 8.5 क्रेडिट में ठीक ठाक ऑप्शन होने वाले हैं। ली चेंग की हम बात करते हैं, 4.5 क्रेडिट में आपको क्रेडिट मैनेज के लिए ट्राई करके जा सकते हो। स्मॉल फोर्ड से हम बात कर लेते हैं, जेड ल्यू रहने वाले बेंच से प्ले करते हुए दिखेंगे। जेड नियांग की हम बात करते हैं, लास्ट के मैच में गाइस ये आपको अच्छा परफॉर्म इनका रहा था, स्टार्ट करते हुए दिखे थे और अच्छा परफॉर्म भी किए थे। और बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे बेकॉन की, जो बेकॉन आपको बेंच से प्ले करेंगे, बहुत बेहतरीन परफॉर्मर, लास्ट के मैच में अटैकिंग प्ले किए, पॉइंटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लास्ट के मैच में
कि हम बात करते हैं 20 पॉइंटर इनके कनेक्ट हुए थे, और गाइस रिबाउंड भी इन्होंने 7 कलेक्ट किया हुआ था। पॉफर से हम बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे जेडवांग की स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, क्रेडिट इशू के कारण मैं इनको SLT में ड्रॉप कर रहा हूँ, आप चाहो तो GL में इनको ट्राई कीजिए। निंग की बात करते हैं, बेन से प्ले करते हुए दिखेंगे, रेन आपको बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे, लास्ट के मैच में वैसे ये स्टार्ट करते हुए दिखे थे, 7 क्रेट में ठीक ठाक ऑप्शन होने वाले हैं। सेंटर से हम बात कर लेते हैं, जडगी रहने वाले, ये भी आपको स्टार्ट करेंगे, 16.5 क्रेट में अवेलेबल है, क्रेडिट इशू नहीं होती है तो आप जरूर ट्राई कीजिए। वॉलो की हम बात करते हैं, बेन से प्ले करते हुए दिखेंगे, PU1 की हम बात करते हैं, ये गाइज आपको बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे। एल चेंग रहने वाले आपको, ये आप चाहो तो क्रेडिट मैनेज के लिए ट्राई करके जा सकते हो। बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे सेटिंग प्रीव्यू की, जो आज के मैच में हमारे रहने वाले, उससे पहले गाइज आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो और ज्वाइन नहीं किया तो गाइज ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे मिलती है फाइनल SLT। आफ्टर लाइनअप आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए ये लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पिन किया मिलेगा, जहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो, या सर्च कर लेना @Panthera11ABC और गाइज ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको फाइनल SLT प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे सेटिंग प्रीव्यू की, उससे पहले गाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। यहाँ पे गाइज आपको सभी बास्केटबॉल की वीडियोज़ मिल जाती है, सभी की टीम गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, बिल्कुल फ्री टीम होती है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। सेट पे हम बात करते हैं, तो गाइस हमारे टीम में ASAP को मैंने आज SP ट्राई किया है, ब्लेसो हमारे PP रहने वाले, आईटेलर जो आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, HLU रहने वाले जो बेन से प्ले करेंगे, डीप अकाउंट को टीम में ट्राई किया है, जेडनिंग रहने वाले, पियान और गाइस जेडगे, ये हमारे सेट टीम में रहेंगे। बाकी अपडेट आपको आएगी आफ्टर लाइनअप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए मिस मत कीजिएगा, लिंक मैंने दे दिया है वीडियो का डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, जहां से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो, या सर्च कर लेना @Panthera11ABC और गाइस ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल। गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप अप सपोर्ट विद Panthera11।